आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ लेकर के मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। पिछली क्लास में हमने फ्रॉयड की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, जिससे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में चर्चा की थी, और आज हम उसी के अंतर्गत अगली चिकित्सा पद्धतियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे एडलर की व्यक्तिगत चिकित्सा की, जिसे हम इंडिविजुअल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जुंग की विश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी कि एनालिटिक थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडलर की चिकित्सा प्रविधि की। एडलर पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने आप को फ्राइडियन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से अलग करकर या मनोविश्लेषण सिद्धांत से अलग करके एक अलग विचारधारा की शुरुआत की थी, जिसमें दी जाने वाली चिकित्सा को व्यक्तिगत चिकित्सा यानी कि इंडिविजुअल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। एडलर के अनुसार कुसमायोजित व्यवहार का कारण इड तथा सुपर ईगो के आवेगों का ईगो के संग टकराव नहीं होता, बल्कि दोषपूर्ण जीवन शैली तथा मन की गलत धारणाओं के विकास से होता है। आपने फ्रॉयड की चिकित्सा पद्धति में जाना था कि किस तरीके से इड और सुपर ईगो के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके कारण जो ईगो के संग उनका टकराव होता है, इस कारण व्यक्ति के अंदर दोषपूर्ण व्यवहार उपस्थित होता है। और जो एडलर की थ्योरी है वो ये मानती है कि इड और सुपर ईगो के जो आवेग होते हैं और उनका जो ईगो के संग टकराव होता है, उसके कारण दोषपूर्ण व्यवहार व्यक्ति के अंदर उपस्थित नहीं होता, बल्कि उसकी खराब जीवन शैली तथा उसके मन की गलत धारणाओं की जो विकास होता है, उसके कारण उसके अंदर कोई दोषपूर्ण व्यवहार या कोई मानसिक रोग उत्पन्न होता है। अगर हम चिकित्सा सत्र की बात करें तो उसमें जो कुसमायोजी व्यवहार होता है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है, जो उसकी गलत धारणाएँ हैं, जो उसने फॉल्टी लर्निंग कर ली है, जो भी दोषपूर्ण उसने सीखना कर लिया है, उसकी जो खराब जीवन शैली है उसको उसके अंदर से दूर करने का प्रयास इस चिकित्सा प्रविधि में किया जाता है। इसलिए इस अवस्था से निकलने के लिए रोगी को उसके अंदर उचित मनोवृत्ति का विकास किया जाता है, उचित मनोवृत्ति विकसित की जाती है, जो क्या करती है, मदद करती है उसके सामाजिक अभिरुचियों में, उसके साहस में प्रोत्साहन देने की, उसकी जो उसके अंदर जो साहस होता है उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसके व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन लाने की उसको सलाह दी जाती है। इस तरह से कि जो चिकित्सा पद्धति होती है, जिसमें हम ये एडलर की चिकित्सा पद्धति का इसमें हम बात कर रहे हैं, जो इसका केंद्र बिंदु होता है वो ये होता है कि जो उसकी दोषपूर्ण जीवन शैली है, उस दोषपूर्ण जीवन शैली से उसे अवगत कराया जाए एवं उसमें परिवर्तन लाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए चिकित्सक कुछ प्रविधियों का, कुछ टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो इसमें पहली टेक्निक होती है उसे हम मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। मॉडलिंग, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इस प्रविधि में चिकित्सक अपने आप को व्यक्ति के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है, उसके सामाजिक अभिरुचि का एक उत्तम पैटर्न उसके सामने प्रस्तुत करता है कि एक समायोजित व्यवहार कैसा होता है, एक सामाजिक अभिरुचि से संपन्न व्यवहार किस तरीके का होता है, वो एक मॉडल के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होता है और रोगी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसी मॉडल के अनुरूप व्यवहार करे या फिर उसके जो दोषपूर्ण उसने सीखा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की उसको सलाह दी जाती है। इसके बाद बात आती है जो अगली प्रविधि होती है इसमें, वो है टास्क सेटिंग की, यानी कि कार्य निर्धारण की। इसमें रोगी को कुछ नए कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे उपचार में मदद मिलती है, क्योंकि नए जब कार्य वो करता है तो जो उसकी पुरानी धारणाएं हैं, जो पुरानी मनोवृत्तियां हैं, उसमें क्या होता है, अपने आप ही परिवर्तन आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसकी तीसरी जो प्रविधि होती है, तीसरी जो टेक्निक होती है, वो होती है क्रिएटिव इमेज की, यानी कि प्रतिरूप उत्पन्न करने की। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें एक इमेज उसके सामने क्रिएट की जाती है, तो इसमें जो रोगी होता है उसके सामने आदर्श जीवन शैली के बारे में एक प्रतिमा बनाई जाती है, उसे बताया जाता है कि एक आदर्श जीवन शैली किस तरीके की होती है और उसे अवगत कराया जाता है कि जो उसकी
दोषपूर्ण जीवन शैली है उसके बारे में, और उसको दोनों में कंपैरिजन करने को, तुलना करने को कही जाती है कि देखिए कि एक पॉजिटिव जीवन शैली किस तरीके की होती है और एक आदर्श जीवन शैली क्या है, और किस तरीके से जो आपकी जीवन शैली है वो किस प्रकार से दोषपूर्ण हो गई है, आप इसमें तुलना करके देखिए। तो जब जो रोगी होता है उसमें तुलना करता है तो उसको स्वयं समझ में आ जाता है कि उसके जीवन शैली में कौन कौन से दोष हैं, और उसके बाद उसे ये अपेक्षा की जाती है, उसे ये सलाह दी जाती है कि जो धनात्मक जीवन शैली है उसको वो अपनाए और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने को उसे कहा जाता है। फिर आती है जो अगली इसमें टेक्निक है, वो है पुश बटन टेक्निक। जब रोगी अपने आप को अपने संवेगों में कब्जा होने की विवशता जाहिर करता है चिकित्सक के सामने, तो चिकित्सक इसे गलत धारणा का परिणाम बताते हुए ये कहते हैं कि वे अपने गत दुखदायी अनुभूतियों को याद करें, यानी कि अपने पास्ट जो उसके एक्सपीरियंस हैं, जो उसके दुखदायी अनुभूतियां हैं जो भूतकाल में घटित हो चुकी होती हैं, वो उन्हें याद करें और उससे उत्पन्न नकारात्मक संवेगिक भावों को ध्यान में लेके आए। जब हमारे साथ कुछ नकारात्मक होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ दुखदायी होता है, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, नकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें रोगी से कहा जाता है कि जिस समय आपकी ज़िंदगी में वे अनुभूतियाँ आपको महसूस हुई थी, आप उस समय को याद करिए और याद करिए कि आपके अंदर उस समय किस तरीके के दुखदायी भाव उत्पन्न हुए थे। इसके विपरीत उसको कहा जाता है कि अब आप अपने जीवन के सुखदायी अनुभूतियों को याद करें, वो पल जो पल आपके ज़िंदगी में अच्छे रहे हों, सुखदायी रहे हों, जिसमें आपने ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जिया हो, आप उन अच्छी अनुभूतियों को याद करिए और महसूस करिए कि उस समय किस तरीके के संवेग, सुखदायी संवेग आपके अंदर उत्पन्न हुए थे, जिससे व्यक्ति को समझ में आता है कि दोषपूर्ण जो उसका सीखना होता है उसमें परिवर्तन आता है, और वो समझने लगता है कि जब वो दुख की घड़ी में था तो किस तरीके के संवेगों को उसने महसूस किया था, और जब वो अभी सुख की घड़ी में है किन संवेगों को वो महसूस कर रहा है। तो इससे क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये एडलर की चिकित्सा प्रविधि थी जो कुछ चरणों में होती है। जैसे कि हमने पिछले बार भी बात करी थी एक चिकित्सा प्रविधि की, तो उसमें भी हमने कहा था कि हर चिकित्सा के कुछ गुण एवं दोष होते हैं, तो इस चिकित्सा के भी कुछ गुण एवं दोष हैं। जो ये व्यक्तिगत चिकित्सा है, यानी कि इंडिविजुअल जो ये थेरेपी है, इसका ये गुण है कि इससे व्यक्ति के अंदर इंसाइट डेवलप होती है, सूझ उत्पन्न होती है, और इसका जो प्रभाव होता है वो स्थायी होता है। जब आपको समझ में आने लगता है कि आपके जो आपके आपने फॉल्टी लर्निंग कर ली है उसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो आप उससे दूर हटने का स्वतः ही प्रयास करते हैं। तो जो इसके रिजल्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो स्थायी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने पिछली बार मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा समय और खर्चा हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे सेशंस थे, आपको हर हफ्ते में तीन से पाँच सेशन लेने पड़ रहे थे। तो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ये जो चिकित्सा प्रविधि होती है, इसमें समय और जो धन है वो कम खर्च होता है। अगर इसके और हम इसकी बात करें गुणों की, तो अगर आप इसके नाम पे ना जाएं, क्योंकि इसका नाम इंडिविजुअल थेरेपी है, लेकिन फिर भी ये चिकित्सा प्रविधि बहुत तरीके से सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। कुछ ऐसे मानसिक विकार होते हैं, कुछ ऐसी मानसिक परेशानियां होती हैं जिसमें ग्रुप थेरेपी काम करती है, तो एक ग्रुप थेरेपी के तरीके से भी इसको हम उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके दोषों की बात की जाए, तो जो साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं होती। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन में और मेंटल रिटार्डेशन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे जंग की विश्लेषणात्मक चिकित्सा की। जंग भी जो थे वो फ्रॉयड की मनोविश्लेषण से काफ़ी प्रभावित थे, परंतु कुछ खास बिंदुओं पर फ्रॉयड से उनका मतभेद हो गया था, और इस मतभेद के हो जाने के कारण उन्होंने रोगियों के उपचार के लिए एक अलग चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया, जिसे हम वैश्लिक चिकित्सा या विश्लेषणात्मक चिकित्सा या एनालिटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। जंग ने इस चिकित्सा विधि में रोगी के दमित लैंगिक इच्छाओं एवं उलझनों पर फ्रॉयड की तुलना में कम बल डाला। आपने फ्रॉयड का सिद्धांत भी पढ़ा था, और आपने देखा था कि फ्रॉयड का ये मानना था कि जो हमारे अंदर मनोरोग उत्पन्न होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारी दमित लैंगिक इच्छाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस दृष्टिकोण पर, इस बिंदु पर जंग उनसे सहमत नहीं थे।
और उन्होंने इसको इससे हटने की बात करी थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि इसमें लैंगिक इच्छाओं और उलझनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें बल नहीं दिया था। व्यक्तिगत चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्म के विभिन्न पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक संगठित संपूर्णता विकसित करता है। जंग के अनुसार जो ये चिकित्सा है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को एक पूर्ण रूपेण एक संतुलित व्यक्ति बनाना होता है, और इसके लिए आवश्यक है कि वो उसके जो आत्म है और उसके जो विवेकपूर्ण पहलू हैं उसके संग उसके अंतर्दर्शी पहलुओं को एक साथ मिलाया जाए। और ये जो अंतर्दर्शी पहलू हैं, ये जो अचेतन जो हमारा अचेतन होता है, उसके जो अचेतन के द्वंद होते हैं उनको चेतन स्तर पर लाने का इसमें प्रयास किया जाता है। और जंग का मानना भी था कि इनको चेतन स्तर पर लाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक अंतर्दर्शी पहलू अचेतन में दबाकर व्यक्ति रखता है तब तक उसका जो मनोरोग है वो समाप्त नहीं हो सकते, और उनको अचेतन से चेतन में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कुछ विधियों का उपयोग किया जिसमें कि शब्द सहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण को इन्होंने बल दिया और इसका प्रतिपादन किया था। जो विश्लेषणात्मक चिकित्सा है यानी कि जो एनालिटिक थेरेपी है, ये 4 चरण में होती है। जो पहला चरण होता है, इसमें रोगी के साथ सबसे पहले क्या किया जाता है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित किया जाता है और उसकी जो अचेतन की इच्छाएं हैं, उसकी जो उलझने हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती है। चिकित्सक क्या करता है, उसकी जो अचेतन की इच्छाएं हैं और उलझने हैं उनको समझने का इसमें प्रयास करता है। ऐसी उलझनों को समझने के लिए चिकित्सक वर्ड एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस का सहारा लेता है। अब ये दूसरी अवस्था होती है जिसमें क्या करता है, वो उलझनों को समझने के लिए उसके ड्रीम एनालिसिस को करता है। पिछली थेरेपी में हमने बात करी थी ड्रीम एनालिसिस की, आपने देखा था कि किस तरीके से स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है। जब रोगी स्वयं अपनी परेशानियों को नहीं बता पाता और उसके जो अचेतन के द्वंद्वों को बाहर निकालना होता है, तो कई बार मनोवैज्ञानिक ड्रीम एनालिसिस का सहारा भी लेते हैं। ड्रीम एनालिसिस के साथ साथ इसमें जंग ने वर्ड एसोसिएशन का भी सहारा लिया था और कहा था कि वर्ड एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस के सहारे हम क्या करते हैं, रोगी के अचेतन की उलझनों को बाहर लेकर के आते हैं। तीसरे चरण में व्यक्ति के अचेतन की इच्छाओं एवं उलझनों का संबंध आत्म के विवेकी पहलुओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए चिकित्सक द्वारा रोगी को पुनः शिक्षा दी जाती है ताकि रोगी की समस्या का समाधान करने के लिए उसके अंदर सूझ विकसित की जा सके, और भविष्य में उसको पुनः ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में भी कभी उसके अंदर इस तरीके के द्वंद उत्पन्न हो तो वो अपने अंदर सूझ को विकसित कर सके। जो अंतिम अवस्था होती है वो समापन की अवस्था होती है। इसमें क्या किया जाता है, चिकित्सक को जब ये लगने लगता है कि रोगी अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ व्यक्ति बन चुका है, तो चिकित्सक धीरे धीरे उसके संग संपर्क जो है उसे कम कर देता है, संबंध विच्छेद करता है। और इस तरीके से किया जाता है कि रोगी को पुनः फिर मानसिक रोग उसमें उत्पन्न ना हो, उसे दुख ना हो और एकदम से चिकित्सक से दूर होकर के वो एकदम से बुरा महसूस ना करे। तो ये जो संबंध विच्छेद की प्रक्रिया है, इसे काफ़ी आराम से किया जाता है। तो आज की क्लास में आपने जाना कि किस तरीके से इन 2 चिकित्सा प्रविधियों द्वारा मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक अन्य चिकित्सा प्रविधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।